हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। अब हम लोग पहुंच गए हैं पावना लेक और यहां पे हम करने वाले हैं कैंपिंग। हम भी आए थे पिछली बार पीहू और आए थे, तो अब की बार हम लोग आ गए हैं। बहुत सुंदर व्यूज हैं रास्ते के, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, पर वीडियो में उतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा जितनी अच्छी वो यहाँ पे सामने देखने से दे रहा है। तो अगर हाँ बेटा, अगर कोई आता है पुणे तो जरूर उसको आना चाहिए यहाँ पे पावना लेक पे, जो कैंपिंग होती है ये करने के लिए। 45 मिनट्स दूर है पुणे से। अभी दिखाऊंगी पीहू, मैं बात तो कर लूँ पहले। उसके आगे अड़ी हुई है, ये देखो स्प्रिंग। हिंजवाड़ी से 45 मिनट्स है और बहुत सुंदर रास्ता है। और इधर ही सामने इसके इधर सुंदर गाय बेकार रास्ते यहाँ पर तो खराब ही है। अरे हाँ सही कह रहा है यार अयान, बिल्कुल सही कह रहा है, बेकार रास्ता है। अयान को वापस छोड़ के आ रहे हम फ्लैट पे, हम लोग जा रहे हैं खाली कैंपिंग। सामने वाला पहाड़ दिखाओ ना, जो अयान घर छोड़ा है तेरे को। रोड की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे है तिकोना फोर्ट, ये भी बहुत सुंदर है, दूर से ही दिख रहा है ये बार बार। तो भाई फाइनली वी हैव रीच्ड हियर और हम आ गए हैं पावना लेक। हाँ यहाँ पर पार्क भी है पूरा, बहुत अच्छा व्यू है। मैं अभी बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम दो लोगों के, मतलब दो फैमिलीज के अलावा एक फैमिली और है, फैमिली वाला एक कपल और है, उसके अलावा कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ हम लोग हैं। तो लोकेशन पहले ही बोल रहे थे कि अगर भीड़ हुई तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, अगर खाली हुआ तो मज़ा आएगा। तो खाली है तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो मेरे पीछे लिखा हुआ आई लव पावना लेक। हाँ बोलो। हाँ ये देखो ये लिखा हुआ आई लव पावना लेक। और मैं आपको अगर इसका टूर कराऊं तो इधर है पार्क। हाँ आप कराओगे हीरो कराएंगे? इसको बोलते हैं टाइमिंग। अच्छा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मंडे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो। मंडे शॉपिंग मॉल आपका होता है। लो दिखा दो एक बार सबको। लो बिल्कुल वैसा ही है, पूरा कैंप ए टू जेड आगे से पीछे तक सारा कैंप हमारा है। वो बोल रहे कोई नहीं आपके अलावा। पूरा दिखा दो एक बार। ये आई थिंक परमानेंट टेंट हाउस जैसे बना रखे हैं। ये लेक है, अभी एक्चुअल में हम लोग संडे इवनिंग को आए हैं तो मुझे लग रहा है सैटरडे कैंपिंग करके सब लोग घर वापस चले जाते हैं संडे तक। बोल रहे बस एक फैमिली और है आपके अलावा। तो भाई ये लगे हुए हैं टेंट यहाँ पे, पर अर्चना बोल रही है हमारे यहाँ लगेंगे जो ये खाली एरिया है। और ये कॉटेजेस हैं उधर पीछे, और इधर चलें ये बारबेक्यू की जगह है, सामने चलते हैं लेक के पास। ये देखो भाई कितना सुंदर व्यू है, बाय गॉड बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ये देखो इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे तो सीनरी ड्रॉ करते थे ना लैंडस्केप, वैसा है पूरा ये। भाई ऐसा होता है अंदर से। अबे तेरी तो बहुत छोटी जगह है, सोएंगे कैसे? सर को मालूम है, सर आए थे ना पिछली बार। अच्छा हाँ जब लोकेश आ सकते हैं तो हम तो आ ही सकते हैं। हाँ सो तो जाएंगे। अयान ये अपना टेंट, इसमें सोना है ना हमें, ये हमारा टेंट है। और ये प्योर का, प्योर का ये वाला है, मजा आ गया यार मुझको। ये क्रिकेट यार, थोड़ी ज्यादा धूप नहीं है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। हाँ ये दोनों या ये दोनों कोई से भी कर। हाँ ये दोनों ठीक है। कौन से दो? ये दोनों मतलब। हाँ ये देखो भाई अभी सनसेट होने वाला है और कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा लेक के पास, ताकि थोड़ा वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर सके सनसेट होने से पहले। होने ही वाला है ऑलमोस्ट, आधे घंटे में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बहुत सुंदर, अभी ये जो कैंपिंग है हमारी यहाँ से ऐसी दिखती है। और उधर इनके पास कॉटेजेस भी हैं, इधर हमारे टेंट्स हैं,
और इधर ये कहीं और भी कैंपिंग हो रही है, मतलब बगल में एक और बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, और उधर से कहीं से आवाज आ रही है गानों की, तो उधर भी इस लेक के उस साइड भी कैंपिंग होती है। पहुंच गए हम बिल्कुल लेक के पास, और ये पीहू रो रही है। पीहू क्यों रो रही है? पीहू को डांट पड़ो। लेकिन यार इधर से इतनी गहरी थोड़ी है, इधर से इतनी गहरी थोड़ी है। हाँ शूज तो वेट हो गए। अयन कैसी लग रही है लेक? अच्छी है। ये जो रेडनी है इसको मारो, इस डंडी को मारो। डंडी भी चली गई क्या इसकी? ये मारो जल्दी मारो। तो भाई यहाँ पे आ गए हैं, पकोड़े और चाय आने वाली है अभी। ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, और इन दोनों को ना बस लड़ने से मतलब है बस। ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड। चाय नहीं आई? एंड हैंड्स वॉश किए? हाँ कर ली। ठीक है, खा लो भैया। कांदा भजिया अच्छा लग रहा है, कांदा भजिया। आप क्या खेतों में पानी देने जा रहे हो लोवर ऊपर करके लेक में? इसका जिसकी फ्रेंड है वो ये बोलते हैं कि जहाँ पे फैमिली दिख जाते हैं सब पीछे हट जाते हैं, कोई कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहते ही नहीं। खाया नहीं? अच्छा अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम क्रिस्पी वाले। एक प्लेट और मंगा लेंगे, एक दो प्लेट देंगे एक्स्ट्रा? मांग लेंगे, देंगे तो दे देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। पिछली बार भी पूछ रहे थे, मैंने मना कर देता। तो खाली ये कांदा भजिया ही मिलेगा क्या? आप कहते गोभी मिलेगा? गोभी कह रहे थे, गोभी की कसर रहेगी। ये देखो भाई सनसेट हो रहा है, ये इसके पीछे से ये क्या था, फोर्ट था ना इस, हाँ तिकोना फोर्ट बोलते हैं इसको। इसके पीछे सनसेट हो रहा है, और इधर ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, कैच कैच खेल रहे हैं। ये बैडमिंटन पड़े हुए हमने खेल लिया, और ये वाले जो दो टेंट हैं ये मिले हैं हमें। हम अपना सामान ले आए हैं गाड़ी में से, इन टेंट्स में रहेंगे हम। ये हमारा टेंट है, और ये है इन लोगों का टेंट। अरे यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा क्रिकेट और बैडमिंटन खेला, सब लोगों ने खेला, हमने बहुत मस्ती करी, पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा फन किया यहाँ पे हम लोगों ने। तो भाई अब रात के टाइम कुछ ऐसा फील हो गया है, पूरी लाइटिंग वाइटिंग म्यूजिक व्यूजिक सब ऑन हो गया है, और बहुत ही सुंदर व्यू है। हाँ म्यूजिक चल रहा है, बहुत बड़ी सोच मारी, बहुत बड़ा विजन, आपसी ओ भाईचारा बिना किसे रीजन, गोत हरियाणा हरियाणा वी रिलीज। कोना मस्तावा मर जानी तेरे मुश्किल बहादुर जादे, अयान कैसा लग रहा है टेंट में सोके? अरे टेंट में देखना ऐसा लग रहा है छोटा सा कमरा सा है, बस शुरू हुआ और खत्म हो गया। ये देखना आप तो पहले भी सोए हो ना? अरे हम इससे बड़े टेंट में सोए। अच्छा बारह बारह लोग इधर बगल से आवाज आ रही है लोकेश की, उसमें वो बताया तो था कुत्ता आके लोकेश का मुंह सूंघ रहा था। इधर मुंह करके बोलो यार। अरे उसमें कुत्ता है ना, लोकेश का मुंह सूंघ रहा था, तो लोकेश सपना लेटता है जैसे ना टाइगर उसको उसके सामने आ गया टाइगर, और जैसे उन्हें इसका मुंह चाटा कुत्ते ने, स्लीपिंग बैग देखे तूने? इसके अंदर कुत्ता कैसे आ सकता है? अरे इसमें नहीं, बड़े वाले टेंट में। बड़े टेंट नहीं देखे? नहीं। अरे जो ये जो भाट टेंट है ऐसे बड़ा वाला टेंट लगा दो जिसमें 6 बिस्तर लग सकते हैं, बड़े वाला, तो उसके अंदर तो आराम से घुस सकता है ना कुत्ता नीचे से। उसे स्लीपिंग बैग होते हैं ऐसे है ना, कपड़े की तरह पहनना होता है और ऐसे जिप बंद करनी होती है, तो ऐसे सोते हो जैसे स्लीपिंग बैग होता है ना पूरा। और किसी को मुड़ के सोने की आदत हो तो मुड़ जाओ, फ्री होता है। तो लोके कुत्ता मुंह सूंघ रहा था, और फिर अचानक से ना सारे सारे खड़े हो गए करके घुट जैसे मम्मी खड़ी हो जाती। खतरनाक फील था।
ये आवाजें कैसी आ रही हैं गाड़ियों की। तो चलो भाई अब हम सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आप लोगों से। यार ये लोग भी सो ऑडियंस से ये लोग। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और मॉर्निंग में कुछ व्यू ऐसा है, बहुत सुंदर व्यू है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। पहली बार टेंट हाउस में कैंपिंग करी है मैंने, दिखा देती हूँ मैं। और ये लोकेशन है ना, सोए थे इस वाले टेंट में और सुबह हमें उठे हैं तो मिले हैं उस थर्ड वाले में, उसमें ये अमन बैठे हैं उनके बगल में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले में मेंढक थे छोटे छोटे, तो पूरी रात भर ना इनके पैरों पे कूद रहे थे। एक डेढ़ बजे तक तो मुझे इस साइड से ही आवाज़ आ रही थी, ऐसे मुझे ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। हाँ, और ये रहा अयान, ये रहा अयान हमारे टेंट हाउस में। मैं दे के गई थी बेटा, अभी वॉशरूम गई थी जब। ये रिपी हूँ, गुड मॉर्निंग। इधर देखो, फ्रॉग थे। हाँ मैंने अभी पूछा ना तो अंकल कह रहे कि उस वाले टेंट में ना बहुत सारे फ्रॉग थे। और एक फ्रॉग तो उसमें भी आ गया था। नहीं यहाँ तो नहीं आया एक भी। अरे कुछ नहीं आया, एक्टिंग मत कर। हैं? हाँ ये व्यू बहुत अच्छा है। अभी बजे सुबह के सात बजे ये माहौल है, लेकिन ठंडा लग रहा है थोड़ा सा। अर्चना इधर होगी, गुड मॉर्निंग। ये रहा इनका टेंट, ये देखो भाई। यार ये टेंट बड़ा है थोड़ा सा, बड़ा है क्या? हाँ लग रहा है। ये रहा हमारा टेंट और इस टेंट में आ गया था फ्रॉग, इसलिए ये उजड़ा पड़ा है। अरे मुझे लग रहा है जब रात को लोकेश 1-1.5 बजे के आसपास गए थे ना, तब घुसे होंगे वो। डेढ़ बजे के आसपास जब आप गए थे ना वॉशरूम, तब मैं उठी हुई थी और लोकेश जाते भी ऐसे चप्पल की आवाज करते हो पट पट पट। फिर उसके बाद से वैसे मुझे नींद नहीं आई, मुझे डर ही लगता रहा पूरी रात। इन लोगों ने डरा दिया, बातें ऐसी कर रहे थे कि वो आ जाता है, घड़ियाल आ जाता है, आ सकता है, आ सकता है इधर समुंदर में से, उसको 1 किलोमीटर तक खून की महक आ जाती है। कैसे भी आ सकता है। तो मैं डरी हुई थी रात भर, मैं सो नहीं पाई ढंग से। तो अभी निकल गए वापसी घर के लिए पुणे जाने के लिए, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये रास्ता बहुत 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 सुंदर था, इसमें तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर हम रास्ते में आए तो बहुत सुंदर सुंदर व्यूज थे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, तो ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सीरीज़ कैसी लग रही है आपको?